दोस्तों स्वागत है आप सबका चटोरा पॉइंट की फूड रिव्यू वीडियो में। भाई आज हम करने वाले हैं ग्रेट इंडियन खिचड़ी की खिचड़ी का रिव्यू। तो भाई हमने मंगवा लिया भाई खिचड़ी द ग्रेट, क्या नाम बताया तूने? ग्रेट इंडियन खिचड़ी। मतलब मैंने पंकज को बोला कि यार आज जो है ना कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा है और भाई साहब ने खिचड़ी मंगवा ली। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हेल्दी चीज तो मंगज कोई होगी नहीं। मतलब स्विगी से हमने ऑर्डर किया है, हाँ। इससे ज्यादा हेल्दी और इससे ज्यादा लाइट मेरे ख्याल से पूरे स्विगी में कुछ नहीं होगा। और मैं थोड़ा सा डर रहा था तो पंकज ने मुझे बताया कि भाई रेस्टोरेंट के आगे नाम के आगे सेफ्टी वाले जो रेस्टोरेंट है ना, मतलब स्विगी में अगर आप स्विगी ओपन करते हो तो सेफ्टी रेस्टोरेंट के अलग सेपरेट कैटेगरी है। बिल्कुल, हमने उसी में से ही मंगवाया। तो भाई खिचड़ी में भी पंकज ने तीन तरीके के फ्लेवर मंगवा लिए। यार मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि खिचड़ी में भी जो है ना ऐसा कुछ होता है। तो ये ले भाई बिल पकड़। मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ग्रेट इंडियन खिचड़ी, मगर मैंने नाम पहले काफी बार सुना हुआ है। क्लाउड किचन है और मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में ही है। मैं भी भाई साहब से पूछ रहा था जो देने आया ना, मैंने उससे पूछा कि भाई इसके काफी सारे किचन है क्या, हाँ। तो उसने बोला कि भाई दिल्ली में तो मुझे पता है कि दिल्ली में, गुड़गांव में भी मेरे को पता है, बेंगलोर में भी है, मेरे ख्याल से कई जगह है। बाकी भाई आपको जो है ना इसकी क्लोज लुक दिखाएंगे, एंड में बताएंगे कि बिल का भाई हमें बजट क्या पड़ा, खर्चा क्या हुआ इसका, और टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भाई इसकी क्लोज लुक कैसी है, पैकिंग कैसी आई है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके की पैकिंग है भाई, पेपर बैग है और ऊपर ब्रांड लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन खिचड़ी। और भाई अगर यहाँ देखो तो यार कुछ उन्होंने लिख रखा है, एक्साइटिंग फ्लेवर ऑफ इंडिया, लाइट एंड टेस्टी, रिफ्रेशिंगली कंफर्टिंग। तो भाई इसको ओपन करते हैं और इस साइड भी भाई काफी कुछ है, मतलब टेम्परेचर वगैरह सब कुछ, हाँ। अपना इन्होंने ये ISO कोड भी लिख रखा है, 2.5 मिलियन मील सर्व्ड। ये निकले भी कुछ टिश्यू पेपर, ये भाई कुछ अचार वगैरह टाइप का लग रहा है। और अरे वाह भाई वाह, ये कौन सी है भाई? ये है जी हमारी पाव भाजी खिचड़ी। और ये हमने मंगवाई है जी, आई थिंक ये वाली होगी, इसके ऊपर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तीसरा देख पता चल, तीसरा था हमारा वो, ये दूसरा मेरे ख्याल से वो है पंकज, कुछ कड़ी पकौड़ा टाइप का। ये हमारी कड़ी, ये है भाई कड़ी पकोड़ा, वो है हमारी गट्टा कड़ी, राजस्थानी, हाँ, ये राजस्थानी गट्टा कड़ी खिचड़ी है भाई। तो ये तीन हमारे निकले हैं खिचड़ी के। और पंकज भाई गिनता जा। तो भाई ये सब कुछ पैकिंग इसके अंदर निकली है। अच्छा इसको खोल के आ रही, इनकी क्लोज लुक भी तो दिखाएं। तो सबसे पहले भाई हम खोलने वाले हैं पाव भाजी खिचड़ी। यार इसका देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब है। टेप लगा रखी है क्या इसमें भी? अरे यार इसमें भी टेप है भाई। और ये जो बॉक्स है ना प्लास्टिक का, मेरे ख्याल से माइक्रोवेव में यूज होने वाला लग रहा है इसकी। ओए होए 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 पंकज, क्या खुशबू आई है यार, ऐसा लग रहा है जैसे पाव भाजी का ही, वो जो भाजी की जो खुशबू, हाँ, होती है ना भाजी की खुशबू, हाँ बिल्कुल। मतलब पाव का तो नहीं है लेकिन भाजी की जो खुशबू होती है बिल्कुल, जैसे जैसे इसका स्पून तो हिला रहा है ना, हाँ तो उसकी इतनी वो हवा में, अरे बहुत जबरदस्त पंकज, वाह यार दिल खुश हो गया भाई, क्या खुशबू है, मजा आ गया। बाकी प्लास्टिक काफी अच्छा यूज किया हुआ है। अब खोलते हैं जी नेक्स्ट कौन सी है, इसको मैं साइड रख देता हूँ, इसको भी साइड रख दो भाई। ये है जी हमारा कड़ी पकोड़ा खिचड़ी। और ये थी भाई पंजाबी स्टाइल, इसके आगे पंजाबी वाला वर्ड कुछ लिखा हुआ था इन्होंने। खोलो भाई, अरे वाह यार एक टेप फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो भाई ऊपर डले हुए भाई साहब पकोड़ा डला हुआ है और ये प्याज के पकोड़े डले हुए हैं भाई, है ना, दो पीस है पकोड़े, दो पीस है, साबुत लाल मिर्च नजर आ रही है, काफी कुछ नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, अनियन वगैरह भी नजर आ रहा है पंकज। अब देखते हैं जी हमारी तीसरी खिचड़ी कौन सी थी, कौन सी लगी पंकज? वो राजस्थानी गट्टा गट्टा कड़ी, हाँ। और भाई ये देखते रहो साथ के साथ जो इतनी सारी डब्बिया मिली हुई है, वाह भाई वाह, रंगत तो इसकी भी बहुत कमाल की लग रही है। बाकी मंगज इसमें से आई है भाई, लेकिन यार मेरे को उम्मीद थी कि थोड़ा सा गट्टे के पीस नहीं है, गट्टे के पीस नहीं है यार ये, ये रहा भाई ये रहा,
एक तो निकल आया भाई, तो हो गया इसमें, इसका मतलब और भी होंगे अंदर और से भी होंगे भाई, 100% होंगे। ये रहे पूरा। भाई, ये ले, 1 2 3। तो भाई इसकी खुशबू कैसी है वो देखूँ जरा। लाइट है भाई, तो पाव भाजी की जो खुशबू थी ना वो सबसे वो स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। बाकी भाई गट्टे के पीस देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 5 तो है, ये भी है 6, तो मतलब भाई ये है सारी गट्टे कड़ी कड़ी नहीं खिचड़ी कड़ी को टेस्ट करते हैं अंदर। अरे बाकी गट्टे सारी खा दिया। तो भाई अब आप देख लो यार, तीनों खिचड़ी जो है ना हमने आपको एक साथ दिखा रहे हैं। ये है भाई मेरे लेफ्ट में कड़ी पकोड़ा, पंजाबी कड़ी पकोड़ा खिचड़ी, और ये है हमारी पाव भाजी खिचड़ी, और ये है भाई राजस्थानी गट्टा कड़ी गट्टा खिचड़ी। कड़ी खिचड़ी। तो भाई तीन हमें खिचड़ी मिली है, 9 साथ में भाई हमें मिल गई है। डब्बी जिसमें है भाई पापड़, इसके अंदर है भाई पापड़, ये देख रहे हो, ये देख पंकज, छोटे छोटे पापड़ के पीस डले हुए हैं मसाले वाले एकदम मसाले वाले। और भाई ये है मेरे ख्याल से अचार, अचार। ये भाई मिक्स अचार नज़र आ रहा है, आम का अचार है आई थिंक, बहुत बढ़िया लग रहा है, नींबू वींबू भी डला हुआ और है। साथ में गुड़। और एक ये छोटी सी डब्बी देख लो जी, ये है जी गुड़ की। क्या यार क्या पीस है गुड़ का, है ना, शेप दी हुई है उसको प्रॉपर। तो भाई ये तीनों की आप लुक देख लो और हमें कमेंट करके बताना कि आपको इनकी लुक जो है ना कैसी लगी भाई। तो भाई आपको हमने इसकी क्लोज लुक दिखा दी है, अब बारी है इसको टेस्ट करने की और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की। बाकी भी कमेंट करके बताना कि आपने ग्रेट इंडियन खिचड़ी ट्राई कर रखी है या नहीं कर रखी। तो भाई टेस्ट करें पंगा, पहले कड़ी पकौड़े से स्टार्ट करते ठीक हैं। है। कड़ी में भाई साहब और भी जो है ना, मतलब हाँ ये तो हमने चल, 3 फ्लेवर मंगवाया पंकज, हाँ इसके और अलावा भी और हैं। भी काफी थे। करें हाँ थोड़ा सा खटास है। खटास है, पकोड़ा जो है थोड़ा सा कुछ ज्यादा स्पाइसी है। अच्छा मैंने अभी पकोड़ा लिया नहीं है, तो भाई अब मैं ले लगा हूँ एक बाइट जो है ना वो पकोड़े की भाई। चल। करें, टेस्ट तो है भाई बहुत बढ़िया वाला। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मजा आ गया। हल्की सी स्पाइसेस साइड में है, मतलब स्पाइसी है ठीक है, लेकिन एक एक चीज का जो है ना फ्लेवर आ फ्लेवर रहा है। है। जो ऊपर पकौड़ा डला हुआ है ना, मैंने आपको बताया वो प्याज का पकौड़ा है, तो भाई वो तो मजा ही आ मगर गया। पकोड़ा अच्छे लेवल का स्पाइसी है, हाँ थोड़ा सा स्पाइसी है, कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है कुछ ज्यादा ना, स्पाइसी खिचड़ी है। इतनी स्पाइसी नहीं है जितना वो पकौड़ा जो है हाँ स्पाइसी था। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, ओवरऑल बहुत बढ़िया मजेदार है। और भाई ये साथ में जो है ना हमें पापड़ अचार और गुड़ हमने आपको दिखाया होंगे, ले मुझे तो पापड़ भी थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, रेड स्पाइसी रेड है। सा वो है जो ना। आलू के चिप्स आते हैं ना मिर्च वाले, हाँ वैसे लग बिल्कुल। रहे हैं। मजा आ गया यार। अच्छा मैंने ना कई लोगों को खिचड़ी में ना पंकज ऊपर डालते हुए खा ऊपर चलते डालते हैं। हुए खाते हाँ हुए देखा, ये ले थोड़ा सा इस साइड में भी डाल दिया है, लेके देख टेस्ट इसके साथ कैसा आता है। करें भाई चलो। बहुत बढ़िया भाई। और फ्लेवर बढ़ गया यार, मजेदार। वाकई में मैंने इससे पहले ऐसे ट्राई नहीं किया था पापड़ डाल के यार, मैंने घर में भी नहीं और किया कभी। बाकी कई जगह देखा मार्केट में आजकल राजमा चावल वगैरह के ऊपर टूटे हुए जो पापड़ के वो मिल रहे हैं। कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फ्यूजन चल रहा है। तो भाई अब बारी है राजस्थानी गट्टा कड़ी खिचड़ी, गट्टा कड़ी खिचड़ी भाई, इसको टेस्ट जैसा मैं करते पानी हैं पी लूं टेस्ट पता यार। चले, ये बात सही कह रहा है। क्योंकि उसका इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग टेस्ट आया ना, पता चले पता ही ना चले इसका। हाँ भाई पहली बाइट में मैं तो ले रहा हूँ गट्टा, पंकज तू भी ले ले। ले लिया। करें टेस्ट, हाँ चलो जी। गट्टा सॉफ्ट कितना है? बहुत सॉफ्ट है यार। नहीं थोड़ा सा हार्ड होता है ये। देखो वैसे मैं सच्ची बात बताऊं, अगर आप कहो ना कि प्रॉपर राजस्थानी गट्टे की जो सब्जी होती है वैसा टेस्ट हो, वैसा नहीं है वैसा मगर नहीं है, लेकिन अच्छा है। अच्छा है, मतलब चलो आसपास पहुंच गए हैं। मतलब काफी हद तक पास तक ले गए हैं, हाँ वो ज्यादा बढ़िया लगी मुझे, मुझे भी यार, पंजाबी कढ़ी जो है ना वो बहुत ज्यादा वो स्वाद बहुत थी। टेस्टी थी। अच्छा एक चीज़ नोट करिए, स्पाइसी ये भी है। स्पाइसी ये भी है भाई। टेस्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, कड़ी पकौड़े वाली खिचड़ी जो है मेरे को ज्यादा स्वाद बहुत लगी। स्वाद लगी। स्वाद दोनों है, ज्यादा स्वाद वो है, मगर एक डिसएडवांटेज जो है ना इन दोनों में ये है कि खिचड़ी जो है ना लोग लाइट एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ मसाले खिचड़ी के अकॉर्डिंग दोनों मतलब में तेज हैं। फ्लेवर आना चाहिए दोनों चीज़ों का, लेकिन जो मिर्च का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। और पंकज इसमें जो है ना राजस्थानी गट्टे वाले में
इसमें मुझे हरी सौंफ का बहुत बढ़िया हरी टेस्ट आ सौंफ, रहा और है। ये ऊपर दाने भी दिख रहे हैं हल्के हल्के हाँ, से। अच्छा पहले मेरे को पता ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीरा है, लेकिन वो हरी सौंफ है भाई, और उसका जो फ्लेवर आ रहा है ना टेस्ट अच्छा आ रहा है, बहुत बस अच्छा एक ही है। और यार डिसएडवांटेज लगी है जो मसाला है। मसाले तेज है, मतलब मिर्च तेज है असल में, हाँ बाकी नमक वगैरह बिल्कुल भी तेज नहीं है। और पंकज एक चीज और थोड़ी सी मिसिंग कर रहा हूँ, क्या हमें घर में क्या आदत है ऊपर हमें क्या देसी घी नाइन, डालना हाँ मतलब मेरे ख्याल से शायद हर बंदा जो है ना खिचड़ी के खिचड़ी के ऊपर, ऊपर देसी घी डालो, स्वाद डबल ट्रिपल हो जाता बिल्कुल। और थोड़ी थोड़ी मिर्च लग रही तेज है, है। हाँ बाकी भाई साबुत लाल मिर्च डली हुई है, तो भाई उसका भी जो फ्लेवर है ना वो बहुत वो बढ़िया आ आ रहा रहा है। है, ऐसी हाँ बात नहीं है कि टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। है। थोड़ा सा अगर मज़ेदार स्पाइसी चटपटा खाते हो ना तो बहुत मज़ा आएगा खिचड़ी खाने में। बिल्कुल। बाकी भाई अब बारी है जिसकी, सबसे पहले जो है ना डब्बी खोली थी और खुशबू बहुत कमाल की आई थी, वो है पाव भाई भाजी पाव भाजी। खिचड़ी, पानी फिर से पीते हैं हाँ ताकि फ्लेवर आए प्रॉपर। तो भाई अब बारी है जी पाव भाजी, यार इसकी तो खुशबू बहुत कमाल की आई थी पंकज। देखिए भाई इसमें पाव भाजी का फ्लेवर आता है कि नहीं आता है, ले चल। भाई। हाँ सबसे ज्यादा ओहो स्ट्रांग है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और भाई इसी वजह से सबसे लास्ट में रखी है। बिल्कुल, क्या क्या यार टेस्ट है। इसके अंदर टेस्ट आ रहा है भाई साहब, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आया ना वो आया भाई लहसुन का। लहसुन का और भाजी का बिल्कुल एक्यूरेट टेस्ट आ रहा एक्यूरेट है। भाजी का जो टेस्ट होता है ना पाव भाजी वाली का, मतलब मेरे ख्याल से पंकज आजकल तो रेस्टोरेंट वाले भी इस तरीके का फ्लेवर नहीं दे रहे। दिल्ली के कई इलाकों में जो है ना भाजी ऐसी वाली नहीं मिल रही है जैसी नहीं मिल हम रही, उम्मीद करते हैं। ये फ्लेवर होता है बहुत यार बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया। मन कर रहा है खाते जाओ, भाई इतनी इसको स्वाद तो है। रोकने का दिल नहीं कर सही बात रहा, है। बहुत स्वाद है इसके। और अच्छा इसमें मिर्च भी कम है ना, मिर्च कम है, इसमें मिर्च कम है यार। भाई इसमें देखो आप प्रॉपर जो है ना, ये देख पंकज, मटर है, गाजर गाजर, है, कड़ी पत्ता डला हुआ है। ये देख कड़ी पत्ते का क्या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था बहुत इसमें, बढ़िया है भाई। कड़ी पत्ता डला हुआ है भाई, बहुत बढ़िया है यार। तो ये तीनों खिचड़ी हमने ट्राई कर लिया भाई, और अब बारी है पंकज से ये जानने की भाई कि तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना वो कैसा रहा भाई पंकज। टेस्ट के अकॉर्डिंग सारा कुछ बढ़िया है, बस थोड़ा सा मसाले का जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग ना अभी प्राइस हम बताएंगे, थोड़ी सी हाँ क्वांटिटी मुझे कम लग रही है। भाई अब आपको बताते हैं कि इनका प्राइस क्या है। टेस्ट में नो डाउट बहुत बढ़िया है हाँ पंकज, और मैं सच बताऊं तो पाव भाजी वाली जो है ना वो मेरे लिए नंबर वन है, सेकंड में कढ़ी पकौड़ा जो हमने खाई वो सेकंड नंबर, और थर्ड पंकज गट्टे की। तेरे को क्या लगता है, पाव भाजी और वो पंजाबी कढ़ी जो है मतलब ना, उनको ये बेशक दोनों आप बेस्ट हैं हाँ मेरे हिसाब पहले से। नंबर पे भी रख हाँ सकते हो, है ना, इतना हाँ बढ़िया टेस्ट है। और अब आपको भाई बताते हैं कि हमें इनका प्राइस क्या पड़ा है। तो भाई ये है भाई हमारा इनवाइस, और इसमें आप देख सकते हो तीनों खिचड़ी जो है ना हमने जो मंगवाई थी, पंजाबी कढ़ी पकौड़ा वो आई है पंकज 160, 169, हाँ राजस्थान, राजस्थानी गट्टा कढ़ी 179, पाव बिल्कुल। भाजी खिचड़ी 189, तो टोटल इनवाइस बना था 537 का, जिसमें हमें डिस्काउंट मिला है भाई वन वन सिक्सटी सिक्सटी नाइन नाइन यानी कि दो खिचड़ी जब हम लेते हैं ना तो थर्ड खिचड़ी जो है वो हमें फ्री मिलती है भाई। ये स्विगी में इस वक्त ऑफर चल रहा है। तो भाई टोटल हमारा बिल जो आया है वो आया है 402 रुपये का, टोटल बिल हमारा बना है ये तीनों खिचड़ी का पंकज। तो भाई हमने आपको प्राइस बता दिया यार, अब आप बताओ कि प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी आपको भी कम लगी, क्योंकि हम दोनों भाई भाइयों को हमें तो तो भाई कम लगी है, है क्योंकि ना, ना जो प्राइस ले रहे हैं एक फ्री आने के बाद भी 402 रुपये का बिल बना है, मतलब बिल्कुल अगर फ्री ना आता तो पता नहीं 500 रुपये पार हो पाँच जाते। सौ हाँ भाई 537 रुपये, तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी ना कम है, ये पोर्शन जो है ना डबल होना चाहिए इस प्राइस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। ये मतलब अगर आप सिंगल बंदा अगर सिंगल ये मंगवाएगा तो तब भी मुझे नहीं उम्मीद यार, यार क्योंकि एक उसका सौ पेट अस्सी भरेगा नब्बे यार। रुपये का थोड़ा ये पोर्शन है, एक बंदा अगर लंच में भी खाएगा ना तो पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल भाई हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, हाँ क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल नहीं रहा, यह बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। बाकी भाई अगर आपने टेस्ट कर रखी है, आपने भी मंगवा रखी है ग्रेट इंडियन खिचड़ी, तो भाई हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।